अच्छा सो तो ये जो है बेसिकली एस्टिमेटिंग बीटा था, तो बीटा हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें अब ये बात की थी कि जो कैपे मॉडल है उसके हिसाब से जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, दिस इज वाज द ओरिजिनल इक्वेशन, जिसके अंदर रिस्क जो फर्म का रिटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा और फिर रिस्क प्रीमियम। तो अगर हम इसको इसको खोल लें, फॉर एग्जांपल बी मल्टीप्लाई बाय आर एम कर दें और आर एफ कर दें, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और फिर हम बी को कॉमन ले लेंगे, सो ये इक्वेजन बन जाएगी कि आर एफ यानी रिस्क फ्री रेट इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा ऑफ मार्केट। तो ये कैपम की इक्वेजन है, सही है। तो अच्छा, अगर हम इसको रिग्रेस करें, यानी कि रिग्रेस करने का मतलब ये होता है कि हम अगर एक्चुअल रिटर्न्स लें मार्केट के और मार्केट के और इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न लें, तो ये जो पार्ट है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो है ना ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अगर जो हम रिग्रेस करेंगे तो ये जो इक्वेजन होगी आर एफ 1 माइनस बीटा, दिस इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट को हमने ए सपोज कर लिया, ठीक है। अगर ए जो है ग्रेटर देन, यानी कि जो ए आएगा जब एक्चुअल रिग्रेशन होगी, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ ए आएगी वो अगर इस वैल्यू से जो आप इक्वेशन से बनाएंगे वो ज़्यादा होगी, तो स्टॉक जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक इंट्यूशन जो है ना वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है आर एफ 1 माइनस बी, ये थियोरेटिकली क्या क्या कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि दिस इज द रिटर्न ऑफ योर स्टॉक व्हेन द मार्केट रिटर्न इज जीरो, यानी मार्केट फ्लैट है। तो इसको मैंने यहाँ पे एलोबरेट भी कर दिया कि अगर हमारा रिटर्न ऑफ मार्केट आर एम जीरो है, सो जो इक्वेशन बनेगी रिटर्न ऑन एनी यानी स्टॉक की वो लेगी आर एफ प्लस बीटा जीरो आर एम, तो ये बन जाएगी रिस्क फ्री रेट 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी जो है ये वो रिटर्न होगा कि जब मार्केट रिटर्न जीरो होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर तो दूसरा ये है कि अगर तो बीटा जो है मार्केट का यानी 1 होता है, मार्केट का बीटा अगर 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि यही रिस्क फ्री रेट रिटर्न माइनस हो जाएगा, यानी दैट इट विल बी नेगेटिव इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। क्योंकि तो मार्केट का बीटा 1 होता है, तो अगर बीटा इसका 1 से ज़्यादा होगा तो ये रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, सही है ना। सही है, रिस्कियर स्टॉक एक्चुअली डिलीवर नेगेटिव रिटर्न इन अ मंथ इन विच मार्केट इज फ्लैट। तो अगर मार्केट फ्लैट है दैट मींस आपका मार्केट का रिटर्न जीरो है, तो ऐसा स्टॉक जिसका बीटा मार्केट से ज़्यादा होगा वो एक नेगेटिव रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो इंटरसेप्ट होगा, द इंटरसेप्ट इज व्हाट योर स्टॉक एक्चुअली मेड इन अ मंथ इन विच मार्केट इज फ्लैट, सही है। तो ये जो ए जो है इंटरसेप्ट होगा, जो ए है देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट वो है जहाँ पे एक्स जीरो होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू। और क्योंकि इसको अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो रिटर्न होंगे ना, रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक वर्सेस रिटर्न ऑन मार्केट का होगा ना। तो जहाँ पे रिटर्न ऑफ सॉरी रिटर्न ऑफ मार्केट की आर एम एक्स पे होगा और रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक वाई पे होगा, तो आर एम जहाँ जीरो होगा वहाँ पे जो रिटर्न आर की जो वैल्यू आ रही होगी वाई इंटरसेप्ट कराएगा। तो अगर मार्केट का रिटर्न अगर जीरो है तो आप वो जो वैल्यू होगी जो रिटर्न की ए अगर वो पॉजिटिव होगी, तो दैट मींस के आप आपने जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेहतर परफॉर्म किया, सही है। सो द इंटरसेप्ट व्हाट इज इंटरसेप्ट इज व्हाट योर स्टॉक एक्चुअली मेड इन द मंथ इन व्हिच मार्केट इज फ्लैट, ठीक है। द डिफरेंस मेजर डिफरेंस अच्छा द डिफरेंस मेजर वेदर योर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ओवर परफॉर्म और अंडर परफॉर्म इन मार्केट इंडेक्स ओवर द पीरियड इज कॉल्ड जेनसन अल्फा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो ए ए जो है दिस इज द एक्चुअल इंटरसेप्ट, यानी जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वाई इंटरसेप्ट पे जो आपकी पोजिशन है वो क्या है, और दिस आर एफ 1 माइनस बीटा ये होनी चाहिए वो ये कैपम मॉडल के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट पे पोजीशन जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अगर मार्केट जीरो है तो कैपम मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा, एक्चुअल वर्सेस माइनस ये करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस कहलाता है जेनसन अल्फा, सही है। सो एंड देन जेनसन अल्फा कैन बी कंप्यूटेड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिग्रेशन एंड यूजिंग एक्चुअल रिटर्न ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द पीरियड
the risk free rate and of the period and the beta and then comparing it to the actual return over the period. तो जब आपका रिस्क फ्री रेट बीटा से जो कैप एम मॉडल के अंदर आप फिट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आर एफ वन माइनस बी की, इसको आप जो है इस रिटर्न को आप एक्चुअल रिटर्न उस पीरियड पे जब आपका वो जीरो होगा उस पे आप उस लाइन से कंपेयर करेंगे तो यू गेट द डिफरेंस जो है ना वो आपका अल्फा कहलाएगा. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ये था कि लोग कह रहे थे कि डेरिवेशन कैसे हुई है. सो इसमें अगर कोई मजीद कोई पूछना है तो जी बाप साहब. हाँ यस सर, सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है 27 स्लाइड, इसके अगर आप रीड करें तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर मार्केट तो जिसका बीटा वन से, आपकी आवाज बहुत कट रही है. हाँ चले कोई जी, इसका बीटा वन से अबव होगा उसमें ए इज ग्रेटर देन आर एफ, वन से अंडर होगा, वन से अंडर होगा मतलब मैंने 0.5 होगा तो उसका ए ग्रेटर देन आर एफ हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं. और अगर वन होगा तो ए इज इक्वल टू आर एफ, और अगर वन से अबव होगा मतलब 1.2 गया अगर बीटा तो माइनस में फिगर आएगी और ये एक्चुअली ए इज लेस देन आर एफ. मतलब मैंने ये कह रहे हैं, ये इसमें ये बता रहा है कि ए जो है ना वो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना एक अलग इक्वेशन है. ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन ये जिसके अंदर ये वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक्चुअल रिटर्न डाला फॉर्म का और एक्चुअल रिटर्न मार्केट का डाला. ठीक है ना, और उसका जो है बीटा डाला तो जो उसका बीटा निकलेगा और वाई इंटरसेप्ट मिलेगा ना. ठीक है ना, ये एक जो है ना वो है जो है बेसिकली एक्चुअल उसकी आ रही है. अच्छा, जो इससे पहले जो कैपे मॉडल की इक्वेशन है इन्होंने ड्राइव किया है, इन्होंने जो है ना कैपे मॉडल में जो है रिटर्न जब आपने रिटर्न एक्चुअल डाले थे और यहाँ पे जो है बीटा आपने जब आप समझ लें कि आर एफ वन माइनस बी और ये बेसिकली ड्राइव किया है थ्रू कैपे मॉडल. तो ये जो इक्वेशन आ रही है वन माइनस बी इंटू आर एफ ये कोफिशियंट है वाई इंटरसेप्ट है कैपे मॉडल का. ठीक है ना, अगर जो आपका स्टॉक जो है यानी कि दिस इज जब आप ड्रॉ करेंगे कैपे मॉडल का जो उसका वाई इंटरसेप्ट आएगा वो होगा. जब आप उसमें एक्चुअल यानी कि कैपे मॉडल तो एस्टिमेट कर रहा है ना आपका प्रीवियस उसका, अब उसमें जैसे हमने कहा था ना कि एक्चुअल वैल्यू कुड बी अबव द लाइन और बिलो द लाइन, तो अगर आपका एक्चुअल इंटरसेप्ट जो कि ए है ठीक है ना वो अगर इस मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है कैपे मॉडल यानी आर वन माइनस बी इससे ज्यादा आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपका जो स्टॉक है उसने उसके उस पीरियड में बेहतर परफॉर्म किया एज एक्सपेक्टेड. क्योंकि हम ये कहते हैं क्योंकि वाई इंटरसेप्ट इज वेयर द मार्केट इज जीरो, तो जब मार्केट जीरो होती है वहां पे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो है ना वो आर एफ वन माइनस बी होगी. ठीक है ना, जो आपका कैपिटल मॉडल पे अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपकी वो उससे ज्यादा है तो दैट मीन्स के आपने स्टॉक ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया. अगर इक्वल है तो स्टॉक इज डिड एज वेल एज द रिग्रेशन पीरियड, यानी उसमें जो रिग्रेशन पीरियड में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके इक्वल होगा. अच्छा, अगर जो है लेस है तो उसने कम परफॉर्म किया. तो ए जो है वो दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टॉक. ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर लेट सपोज अगर आप किसी भी पॉइंट पर ए निकालेंगे आपके स्टॉक का वो कंपेयर अगर करें टू द आर एफ वन माइनस बीटा के साथ तो उसका जो डिफरेंस होगा वो जेनसन अल्फा कहलाएगा. ठीक है ना, और जो दूसरी नेगेटिव वाली बात थी वो ये थी कि अगर जो है आपका इस इक्वेशन के हिसाब से ठीक है ना अगर आपका बीटा जो है वो वन से ज्यादा है, वन इज द बीटा ऑफ स्टॉक जनरल मार्केट ना, तो वन से ज्यादा है तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी आर एफ माइनस वन हो जाएगा. सो वो जो आपका वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी. ठीक है ना, तो नेगेटिव में इसलिए आ रही है क्योंकि बीटा मार्केट जीरो है, तो जब मार्केट जीरो है तो मार्केट का जो रिटर्न है वो जीरो है तो उसका जो रिस्क जितना भी हाई होगा तो वो नेगेटिव रिटर्न में चला जाएगा ना, क्योंकि मार्केट का रिटर्न जीरो है तो रिस्कीनेस तो होगी. ठीक है ना, तो इस तरह से इसको कंपेयर कर रहे हैं ये जो जो ए है दिस इज द एक्चुअल फिगर बेस्ड ऑन द रिग्रेशन लाइंस आप ड्रॉ करेंगे और दिस इज और ये बीटा जो है दैट इज बेस्ड ऑन द कैपे मॉडल. ठीक है, अब कैपे मॉडल के थ्रू जो बीटा निकालते हैं
अब जैसे इसके अंदर बीटा कुड भी जैसे आपने कोवेरियंस अपॉन वेरियंस करके बीटा को फिट करके आरएफ को करके यू कैन कैलकुलेट रिटर्न बेस्ड ऑन द कैपे मॉडल, ठीक है ना। और अगर आप रिग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो वो आपका जेंसन अल्फा कहलाएगा। आई होप के समझ में आया आपको। फिर एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं बोलूं कि ये जो अगर जैसे अगर जिन तीन स्टॉक का बीटा लेस देन वन होगा, ठीक है, वो अच्छे पीरियड में परफॉर्म करेंगी, लेकिन बुरे पीरियड में भी वो बुरे पीरियड में वो मार्केट से वर्स नहीं होंगी। हाँ, दोनों साइड पे है ना। हाँ, जब जितना बीटा हायर होगा वो अच्छे पीरियड में मार्केट ज्यादा परफॉर्म करेंगी और बुरे पीरियड में मार्केट। हाँ, जिनका वन से ज्यादा होगा ना तो वो बुरे पीरियड में मार्केट से भी नीचे चले जाएंगे, यानी कि जब आपका मार्केट जीरो थी तो उसका नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, और अच्छे पीरियड में मार्केट का मार्केट से ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि उसका वेरिएशन ज्यादा होगा। खराब हो, बिल्कुल, जब मार्केट खराब हो तो इसका मतलब है कि आप लेस देन वन बीटा वाली स्टॉक में जाओ, और जब मार्केट अच्छी हो मोर देन वन बीटा वाली स्टॉक में जाओ। मतलब ये खैर ये बात जो है हम कह नहीं सकते ना कि मार्केट अच्छी, क्योंकि जब ये तो टाइम वन पे पता चलता है ना कि मार्केट अच्छी रही या खराब रही। थ्योरेटिकली तो बस इसमें बेसिकली इम्प्लीकेशन वाइज बस मैं ये कह देता हूँ कि ये जो आपका जो अल्फा है और जब आपका रिसेशन आ रहा है तो आप लो बीटा स्टॉक में चले जाएं, मतलब एक जनरली स्पीकिंग। हाँ, जनरली स्पीकिंग बस मतलब इसमें बस ये है कि ये जो जो आपका बीटा निकलता है ये तो आपका एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क कह रहा है कि जो आपके फर्म के में जो है सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, ठीक है ना। और ये जो अल्फा निकलता है ये बताता है कि आपने क्या मार्केट को आउट परफॉर्म किया या नहीं किया, बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे क्या फर्म ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है तो वो अल्फा से देखा जाएगा, और अगर ये देखा जाएगा कि हाउ मच फर्म इज एक्सपोज टू द मार्केट रिस्क तो वो बीटा से देखा जाएगा, ठीक है ना। बस इसकी इम्प्लीकेशन ये है, यानी कि इम्प्लीकेशन बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये टेक्निकल के वो होता किस तरह से कैसे ड्राइव किया तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं। क्लियर है? यस सर। चले तो हम उसको आगे चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, सो विल कंटिन्यू। चले आप अपने स्लाइड अलाउ करेंगे, मैं एक स्लाइड शेयर करके आपसे। जी, अब आप शेयर करते हैं। थैंक यू। सर यहाँ पर ये जो आ रहा है आर स्क्वायर हमने एक डॉक्यूमेंट में दिखा था कि उसको आप मार्केट का चेंज कह रहे होते हैं, अगर मार्केट के अंदर 0.3% से चेंज आ रहा है तो आपकी जो कंपनी है वो 0.42% से इंक्रीज कर रही है, अगर मार्केट में कोई चेंज नहीं है तो आपकी कंपनी फिर 0.0629 से चेंज हो रही है, ऐसा ही है सर? कौन से इमेज की बात कर रहे हैं आपने को पिक्चर आर स्क्वायर यानी जो रिग्रेशन का आर स्क्वायर है? यस सर, रिग्रेशन में जो आर स्क्वायर है सर। देखिए स्लाइड आप शेयर कर रहे हैं, स्लाइड नहीं आ रही मेरे पास। नहीं सर, डॉक्यूमेंट शेयर किया है। अच्छा नहीं आई, सॉरी सर, सॉरी थोड़ा सा। सो मैंने एक हाथ से जी सर ये वाला। हाँ, ये आपने एक भेजा है ना, ये आपने ग्राफिकली बताया कि जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, चाहे तो आप शेयर कर दें उसको इस पे भी। ये अच्छा, ये आपने तो वहाँ पे नहीं भेजा सर, वहाँ का सर उनका उन्होंने खैर अलग भेजा होगा, मैंने तो सर वो जो आपसे भी बात हुई वो ये भेजा है। अगर बीटा ग्रेटर होगा वन से तो ये एसएमएल लाइन यू बनेगी, और अगर बीटा लेस देन वन होगा तो एसएमएल लाइन यू बनेगी, गुड पीरियड्स में अंडर परफॉर्म करेगा, और अगर बीटा वन होगा
जी सॉरी, तो ये आपकी बात जो वाप साहब आपने जो भेजा है वो यही है कि ये जो लाइन है जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है आरएफ जो है दिस इज बेसिकली रिस्क फ्री, ये एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो है वो है वाई इंटरसेप्ट ना थ्रू कैपम मॉडल से। अगर आप रिग्रेशन करेंगे यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ मार्केट वर्सेस वो डालेंगे तो उसके बाद जो लाइन ड्रॉ होगी और उसका जो ए आएगा यानी कि वाई इंटरसेप्ट आएगा उसका डिफरेंस इस कैपम के डिफरेंस से यानी एक्सपेक्टेड के डिफरेंस का जो होगा वो जेनसन जेल्पा कहलाएगा। और अगर वो ए जो है इस वाई इंटरसेप्ट से थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा तो दैट मीन्स के आपकी जो मार्केट है आपकी कंपनी ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है अपने एक्सपेक्टेड से, यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस की है पिछले यानी रिग्रेशन पीरियड के अंदर। अगर आपका पीरियड 10 साल का है, ऑब्जर्वेशन का पीरियड है, तो उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में कंपनी ने अपनी एक्सपेक्टेशंस यानी जो उस रिस्क प्रोफाइल में जिस रिस्क प्रोफाइल में कंपनी थी उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए था कंपनी ने उससे ज़्यादा परफॉर्म किया है। अगर जो है ये डिफरेंस नेगेटिव में आ जाता है यानी कि ए जो है उससे कम होगा तो दैट मीन्स के उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी को परफॉर्म करना चाहिए था तो उस रिग्रेशन पीरियड से उससे कम परफॉर्म किया। ठीक है ना पाप साहब, ये क्लियर हुई समझ में आई? हाँ सर समझ में आया सर, ये सही मैम डायग्राम से मतलब आपकी एसएमएल लाइन जो है वो हाँ डायग्राम सही डायग्राम सही है बिल्कुल, ये यही वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा जहाँ पे ये रिस्क आरएफ जो आपका यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है ना ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। जी अब्दुल समी आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि जो आर स्क्वायर हमने जो डेटा निकाला है वो क्या नाम है जनवरी डेली रिटर्न के अकॉर्डिंग निकाले और एक्स और वाई इंटरसेप्ट कर उसको जिस तरह एक्सेल में कर रहे होते हैं इस तरह करके और फिर ये हमारा वाई इंटरसेप्ट निकला है, ये मतलब इसको हम बीटा भी कह रहे होते हैं और इसको हम स्लोप भी कह रहे होते हैं, तो सर ये जो हमने वाई इंटरसेप्ट तो आपका स्लोप जो है वो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी और वाई इंटरसेप्ट जो है वो होगा कि जहाँ पे आपका बीटा जहाँ पे आपका वो मार्केट आपका मार्केट है ना इस पे मार्केट जब जीरो होगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अच्छा मार्केट जब जीरो हो जाती है तो वाई इंटरसेप्ट, जहाँ मार्केट रिटर्न जीरो होगा तो वो वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो आपके जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं ना जो आपकी लाइन बनती है उसका जो वाई एक्सिस पर जहाँ क्रॉस कर रही है वाई इंटरसेप्ट कहलाता है ना, तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स जीरो होता है एक्स पे क्योंकि आपने मार्केट लिया हुआ है तो मार्केट जब जीरो होगी तो वाई इंटरसेप्ट कराएगा सही ना। और जो इसका स्लोप है वो जो है वो जो है इसका पॉइंट समथिंग जो स्लोप आ रहा है वो आपका ये जो लाइन बनी है ना ये कितनी फ्लैट है कितनी स्टीप है तो ये बताता है। सर ये मैनुअल बीटा सर एक्सेल से निकाला था और फिर बीटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर कराची स्टॉक एक्सचेंज सॉरी तो वहाँ पर जो बीटा आ रहा है हमारे पास वो ये शो हो रहा है 1.0313, तो वो लाजमी सी बात है हमने जो डेटा लिया है वो डेली रिटर्न के हिसाब से वो 10 मंथ्स का डेटा लिया है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मैनुअल के अंदर हो रहा था और इन्होंने शायद हो सकता है कि 5 साल 7 साल का लिया हो, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था तो उसमें तो सर कोई इशू नहीं होगा ना प्रेजेंटेशन में और चेंज हो सकता है डिपेंडिंग इतना ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं लगता होता है लेकिन बहरहाल ये हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन के आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा क्या है कि आपने डेली लिया है या मंथली लिया है, मंथली एवरेज लिया है या वीकली एवरेज लिया है, और दूसरा ये कि आपकी वो ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या है ना, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको अफेक्ट करती हैं ठीक है ना। तो लेकिन ये सही है। और आप क्या पूछ रहे थे आर स्क्वायर वगैरह क्या कह रहे थे? यस सर आर स्क्वायर का मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर दिया हुआ था हमें ये मार्केट के रिटर्न को प्रेजेंट कर रहा है आर स्क्वायर कि अगर मार्केट में चेंज आता है 3.03% से तो हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस है कंपनी की वो 0.42 से जो है इंक्रीज करेगी। अगर नहीं आर स्क्वायर समझ लें आर स्क्वायर ये बता रहा है कि ये जो आपने ये जो इससे पहले जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है वाई इक्वल्स टू दिस ये इक्वेशन जो है आर स्क्वायर कितना है मुझे विजिबल नहीं हो रहा कितना आ रहा है ये सर ये आर स्क्वायर आ रहा है 0.0 हाँ 0.0003 आ रहा है तो ये आर स्क्वायर ये बता रहा है ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू दिस ये इक्वेशन जो है एक्चुअल रिटर्न्स एक्चुअल y का 0.003% वो कवर कर रहा है, दैट मींस ये इक्वेशन सही नहीं है यानी कि यानी प्रेडिक्शन जो है ना दैट मींस के जो आपके जो टोटल ये जो आपका ये जो पॉइंट ये जो x है यानी कि जो बीटा है आपका ये जो है y का यानी कि अगर हम इसको मार्केट रिटर्न कहें
अगर आसान जबान में कहें कि भाई ये जो है ना वो है मार्केट का जो है कोफिशियंट है, ये कोफिशियंट जो है ये सिर्फ 0.003 जो है या 0.3% का जो फैक्टर्स हैं उसका अफेक्ट करता है, यानी कि 99.7% जो वेरिएशन वाई की है वो ये लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक जैसा वो है। 99% मतलब ये है कि नाइनटी डाइवर्सिफाइड नाइन अगर है परसेंट जो और वेरिएशन जो एक्चुअल रिटर्न में हो रही है वो किसी और फैक्टर से की वजह से हो रही है जो कि आपने अकाउंट फॉर नहीं किए, जिसको हम कहते हैं एरर टर्म। तो यानी कि आप समझ लें कि इसके अंदर जो 99.7% एरर है और सिर्फ 0.3% जो है उस प्रडिक्शन है जो कि आपका एक्स प्रिडिक्ट कर रहा तो कि है ऐसा ना। नहीं हो सकता है नॉर्मली आपके हाँ, यहाँ। यानी कि इसकी प्रडिक्शन सही नहीं है, क्योंकि आप इसकी ये भी देखें कि एक तो ट्रेंडलेस जा रही है आपके बेसिकली ये जो आप आपके ने जो प्लॉटिंग की है इस ये प्लॉटिंग ऐसी लग रही है कि ये कोरिलेट ही नहीं कर रही मार्केट के साथ ना, कोई ट्रेंड नहीं बन रही, ठीक है ना। ये स्कैटर्ड प्लॉट है और बिल्कुल मिडिल में कहीं जाके आ रही है। ये कौन सी ये कंपनी है आपकी? सर ये इंटरलूप लिमिटेड है सर, मैं इसका जो मैनुअल क्या था वो खोल कर दिखाऊँ आपको, वो किस तरह हो सकता है वहाँ पर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए ना, आपको सिंपल इंटरलूप की जो है आपने क्या प्राइस लिए, शेयर प्राइस लिए इंटरलूप की? ये सर इंटरलूप की जो एडजस्टेड रिटर्न है ना सर, मैं सर दिखा देता हूँ आपको अच्छा, एक सेकेंड ये बताएं कि इंटरलूप जो है उसकी ट्रेडिंग कितनी होती है डेली? सर। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इनका सर इन्वेस्टिफाई से मैं देखकर बताता हूँ, ज़्यादा नहीं है सर इनका, एक सेकेंड सर हाँ, मैं तो देख। आपके इसका मतलब है जो मुझे जो लगता है ना वो ये हुआ है कि आपके जो शेयर प्राइस है ना वो क्योंकि ट्रेडिंग नहीं होती है तो बहुत हद तक कांस्टेंट रहती है, और क्योंकि सर ये बहुत रहा एक यानी बहुत कम जब ट्रेडिंग होती है ना जिस चीज़ की, तो वो जो आखिरी बिट होती है वही प्राइस को शो करती है जो कि राइट मार्केट पर क्लियरिंग प्राइस नहीं होती। तो मेरा मेरा ख्याल है इसकी नॉन कोरिलेशन की वजह यही है ना। तो ये अगर भी सर। आपको, हाँ अगर तो आपको क्योंकि ये डेटा साइज खराब आ रहा है, तो ये जो प्राइस है जो इंटरलूप की शेयर प्राइस है वो शायद कम ट्रेडिंग की वजह से, कम वॉल्यूम की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बैरोमीटर नहीं है। तो आपको इसके लिए ना फंडामेंटल बीटा पे जाना पड़ेगा जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, उससे आप अच्छा निकालें। हाँ, ये एक्चुअल रिटर्न जो है ना ये बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है ना। ओके सर, तो सर मैं इसे फिर वहाँ से हटा के फिर इसके लिए मैं फंडामेंटल बीटा सर, फिर आप फंडामेंटल दूसरा बीटा दूसरा मेथड करें, फॉरवर्ड लुकिंग करें, हिस्टोरिकली नहीं करें और फंडामेंटल बीटा देखें। ये जो है ना हिस्टोरिकल बीटा जो है ना ये बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा कामयाब है जहाँ ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, जब मिलियन मिलियन प्लस के जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ना, तो वो ओके हाँ जब जब आपकी ट्रेडिंग बहुत थिन होती है ना तो वो जो प्राइस रिफ्लेक्ट होती है वो क्लियरिंग प्राइस नहीं होती मार्केट की। मोस्ट प्रॉब्ली यही मसला है, बहरहाल और कोई मसला हो तो मुझे नहीं मालूम जी। और एनीथिंग एल्स? सर जी यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका जो कल का है वो 4,00,500 5,400 का शेयर ट्रेड किए हैं इन्होंने कल। एक दिन के अंदर, यस सर ये वॉल्यूम एक दिन का नहीं हो सकता ये तो है, आपको हाँ हर सर दिन का एक दिन वॉल्यूम का। होगा ना। हाँ? या तो देखें एक एक आप और कर सकते हैं कि मंथली एवरेज निकाल लें और पीरियड ज्यादा कर लें, ठीक है ना। मंथली एवरेज का मतलब है कि आपने पूरे मंथ की जो प्राइस आ रही है ना उसका एवरेज निकाल लेना है, और मंथली एवरेज करके आप कोई 10 साल का डेटा, 10 साल ज्यादा का डेटा ले लें, सही है। फिर देखेंगे क्या आ रहा है आपके फिर। मन का ही डेटा वो दे रहे होते हैं हमें ना स्टॉक में से, तो फिर वो इसी तरह मतलब पूरी जनरेट करके फिर इस तरह निकलेगा डेली को फिर मेरे चेंज कर आपने जो है दो डेली डेटा जैसे आपने निकाला है ना इसको आपने एवरेज कर ले मंथली पे, मंथली और पे इसको फोर आपने लेक्स। आपने अगर ये कितने साल का निकाला है ये आपने, ठीक सर ये मैंने 10 महीने का निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले 10 महीने, सर। आप 10 साल का निकालें इसको ना, ओके या कम से कम 5 साल का निकालें और उसको मंथली करके देखें, फिर सर, देखेंगे पाँच कैसे साल चेंज। का तो गिविन ही नहीं है इनका, 2018 के बाद से गिविन है, 2018 से पहले हिस्टोरिकल डेटा वेबसाइट पर ही गिवन है अट्ठारह इनका। के बाद है तो 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल तो हो गए ना, हाँ तो ओके सर, ओके सर, 5, 12, 60 तो 60 ऑब्जर्वेशन है, तो ठीक है बन जाएगा, ठीक है ना। ओके थैंक यू। चलो, तो बहरहाल और कोई एनीथिंग एल्स, कोई सवाल, कोई चीज? सर चले, अब हाँ जी, इसके बाद, जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके बाद अब क्लासेस होंगी, क्योंकि अब तो स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स वगैरह, और जिस तरह से प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही है वो भी वाइंड अप करेंगे, या फिर ये है कि इसको जिसकी नहीं हुई कंटिन्यू होती रहेगी, सर क्या सीन है सर? एग्जाम की डेट आ गई आपकी?
जी सर 24 तारीख से आ गई है। अच्छा चले, अभी अभी ये तो हमने एग्जाम एंड में रखे हैं ना आपके, तो एग्जाम अभी फिलहाल चलते रहेंगे आपकी, कुछ चलेंगी प्रेजेंटेशन, और फिर एग्जाम जो होगा आपका उस एग्जाम भी होगा, जारी बात आपका फिजिकल एग्जाम होगा जो जो भी हमने कोर्स कवर किया उसके। सर ये प्रोजेक्ट की बेसिकली हमारी जो एग्जाम्स की डेट रखी है 31 तारीख रखी है, तो उसमें सर क्या होगा, जस्ट हम कॉपीज पे साइन करेंगे या जस्ट यही? नहीं नहीं, आपका पेपर होगा प्रॉपर। सर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट की? हाँ प्रोजेक्ट में आप साइन कर देंगे। ठीक है, तो सर उस दिन प्रेजेंटेशन लेंगे कोई आप? उस दिन नहीं होगा, आप वो अपना राइटअप सबमिट करेंगे और साइन करेंगे। ठीक है सर, ठीक। सर अ स्टूडेंट फ्रॉम माय क्लास बीएस, वो भी पूछ रहा था, ही हैज टू लीव द कंट्री ऑन 15th ऑफ जनवरी, तो वो कह रहा था कि उससे पहले हो जाएगा पेपर या उसके बाद हो जाएगा, कैन इस पर भी एलैबोरेट कर दें। कॉर्पोरेट फाइनेंस का? जी सर। 15th के बाद आएगा वो? वो 15th के बाद उसको जाना है, ही हैज टू गो आउट ऑफ कंट्री। इंशाल्लाह 15th से पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अच्छा चले, तो ये स्टार्ट करते हैं, जो बाकी जो कवर कर लेते हैं जो बच गया है। प्लीज फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर है वो 8 को है, 8 जनवरी को। 8 जनवरी शेड्यूल आया ना उसके हिसाब से हमारा पेपर 8 जनवरी को। हाँ वो एंड में मैंने कहा था एंड में करते हैं, तो बारह हो गया। चले तो इसको इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीक होंगी प्रेजेंटेशन? जी होंगी, बिल्कुल होंगी, अभी अभी चलेंगी प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना? अभी फिलहाल आगे का मैं शेड्यूल आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगा, ठीक है ना? अभी तो हम ऐसे ही चला रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मे बी हम नेक्स्ट चैप्टर के बाद जो है प्रेजेंटेशन सबकी ले लेंगे, ठीक है? बल्कि मैंने आपसे ये कहा था कि आज हम चैप्टर कंप्लीट करके जो है ना ये कंपनीज की प्रेजेंटेशन लेंगे ना, ये लास्ट क्लास में ये बात हुई थी। जी सर, ठीक है ना? चैप्टर 4 की कंपनीज की प्रेजेंटेशन हमने कहा था डिस्कस करनी है, तो वो हम विल सी कि कितना वो हम आज ले लेंगे। चलें दी प्लीज ये कंप्लीट करते हैं, ये लगाएं जरा। जी शेयर करा जी। सर एक चीज और ये थी कि नेक्स्ट सैटरडे 24 को तो पेपर है सर हमारा, तो उसमें तो कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं रखेंगे आप, ये क्या होगा सर? पेपर कब है आपका? सर पेपर मेरे ख्याल 6-8 होगा। सर ईएमपी नेक्स्ट वीक से क्लासेस सॉरी एग्जाम शुरू हो रहे हैं सर, तो एवरी वीक जाहिर सी बात है फिर 24 तारीख को सर पहला पेपर है सर हमारा। हां तो हमें एक देख दो क्लासेस तो लेनी है ना, तो एक दो क्लासेस हमें लेनी है, तो या तो आप किसी वीकडे वगैरह में किसी ऐसे उसमें ले लेंगे ना, या ये कि पेपर आपका शाम को है तो हम सुबह ले सकते हैं क्लास ना, या ये कि पेपर्स के बाद देख लेंगे जो भी है। बहरहाल एक दो 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 क्लासेस कम से कम होनी है ना इसकी। सर पेपर की बात कर लें आप, या तो पेपर की बात कर लेते हैं और फिर आपका जो पेपर आपको पहले ले लेंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन जो बची हुई है वो बाद में ले लेंगे, ठीक है ना? ये कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। चलें तो इसको कंप्लीट करते हैं, ये आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद जो बाकी क्लासेस जो है ना दैट विल जो आप जो सबमिशन करेंगे ना उसकी फिर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। खास तौर पे ये जो चैप्टर 4 है, आई वांट के हर 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 ग्रुप की जो है ना चैप्टर 4 की प्रेजेंटेशन हो जाए, तो वो देखते हैं, तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपके वेट करेगी। तो जिन्होंने अभी चैप्टर प्रेजेंट भी नहीं किया वो भी जो है ना वो कंपनी प्रेजेंट करके जो है उससे कर सकते इन लियो ऑफ चैप्टर। अच्छा चले प्लीज। जी सर, फोर्थ पार्ट हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनोलॉजीज। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज द कंपनीज कॉस्ट दैट रेफर and it must pay in order to raise the new capital fund. While the cost of the equity bears the return mandated by the investor, who are the part of the company's ownership structure.
हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेफर करता है उस कॉस्ट को दैट मस्ट हैव टू बी पेड, और हमें अपने कैपिटल फंड्स वगैरह, अपने रेवेन्यूज वगैरह को इंक्रीज करने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, न्यू कैपिटल फंड्स कहलाते हैं, तो वो दैट इज ऑल काउंटेड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये यहाँ जो पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट टू द फर्म ऑफ रेजिंग फाइनेंसिंग टू फंड दिस प्रोजेक्ट. वही बात मैंने बताई थी इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन, इट इज रेफरिंग टू दोस न्यू कैपिटल फंड. एंड इन एडिशन टू द इक्विटी द फर्म कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम द डेट. इक्विटी कैन ऑल्सो बी रेज इट विद द फैक्टर ऑफ द डेट. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है, तो इसमें हमने हमने जो है ना नाउ वो हमने अभी तक ये निकाला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक आ गए थे हम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है, ठीक है ना, वैल्यूएशन करनी है. तो उस वैल्यूएशन के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, और उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और उसके साथ डिस्काउंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ द फॉर्म. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे जाया जाएगा वो हमने डिस्कस करना है. तो कैपिटल इज अ सुपर सेट, कैपिटल के अंदर डेट भी होती है और इक्विटी भी होती है, सही है ना. तो हमने इक्विटी पोर्शन डिस्कस कर लिया है, तो अब हम जो है फोकस करेंगे डेट पर. जी ओके, व्हाट इज द डेट? डेट होता क्या है? डेट बेसिकली इज व्यूड एज अ लो रिस्क बिकॉज़ इट ऑफन हैज अ definite maturity and the holder has priority in interest payment and on the liquidation income. Debt basically हमारे पास debt की definition है, तो हम अपने सादा से अल्फाज में देखें, जैसे हम finances में पढ़ते हैं, it is the amount that is owned by the borrower to the lender and debt is the sum of the money that is borrowed for a certain specific period of the time not along with the interest amount. General rules के बारे में जहाँ तक इन्होंने बात की है कि debt usually contains the general rules, उनमें से we are discussing some of the points out here. Commitment to make fixed payment in the future, as I told you के हमें पहली चीज होती है that there is a word return. हमें ये चीज ज़हन में रखनी पड़ती है, whatever you are borrowing that had to be returned after a specific period of the time along with its interest amount. The second thing is the fixed payment. अच्छा, पहली बात समझ लें, commitment का मतलब ये है कि it has to have a written commitment, ठीक है ना. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिटन कमिटमेंट नहीं हुई तो वो डेट नहीं कहलाएगी. ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है, समटाइम्स आप अकाउंट रिसीवेबल्स हैं या अकाउंट पेबल्स हैं, ये एक सप्लायर है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है. तो अगर कोई रिटन पेपर पर कमिटमेंट नहीं होगी वो डेट नहीं कहलाएगी. तो पहला इस पॉइंट पे है कि कमिटमेंट शुड बी, कमिटमेंट मीन्स कि इट हैज टू हैव अ रिटन कमिटमेंट. चलें ओके, द फिक्स पेमेंट आर द टैक्स डिडक्टेबल. जो फिक्स पेमेंट्स होती हैं होंगे तो वहाँ हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि व्हाट आर द डेट्स दैट्स बिलोंग्स टू कमिटमेंट और नॉट कमिटमेंट्स? देखिए, एक चीज होती है लायबिलिटी और एक होती है डेट. ये दो अलग अलग चीज है ना. जनरल लायबिलिटी तो सारी चीज आ जाएंगी ना, लेकिन हम डेट की बात करते हैं तो उसके अंदर वो चीज आएंगी जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नोट्स पेबल है तो नोट पेबल एक रिटन कमिटमेंट हो जाती है, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सिर्फ हम वो चीज़ लेंगे डेट पे के जो रिटन कमिटमेंट होगा ना. तो हर लाइबिलिटी डेट नहीं होती, यानी कहने का मकसद ये है. तो ये नॉर्मली जो कलेक्ट बैलेंस शीट में जो है ना, नॉर्मली अकाउंट्स पेबल वगैरह जो है ये डेट में नहीं आते, ठीक है ना. लेकिन नोट्स पेबल वो डेट में आ जाते हैं क्योंकि वो रिटन उसमें होता है. इस तरह बॉन्ड पेबल वगैरह डेट पे आ जाते हैं. तो ऐसी चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे यह लोन होता है, जो बैंक से आप लोन लेते हैं वो भी डेट में आ जाता है क्योंकि उसकी भी एक कमिटमेंट होती है रिटर्न, सही है ना. ठीक, चले. और फेलियर टू मेक द पेमेंट कैन लीड टू ईदर डिफॉल्ट और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द फर्म टू द पार्टी टू होम द पेमेंट्स आर ड्यू. हियर कम्स अच्छा, दूसरा पॉइंट. हाँ, दूसरा पॉइंट ये था कि फिक्स पेमेंट दैट आर टैक्स डिडक्टेबल. तो अगर कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती, फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल जैसे हो गया, दूसरे हो गए ना, इसके अंदर आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते फिक्स पेमेंट, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें कोई कैश फ्लो की पेमेंट नहीं हो रही होती. डेट के अंदर जो एक इंटरेस्ट या कैश फ्लो की एक पेमेंट हो रही होती है, सही ना. ये पार्ट है. और थर्ड जो लिखा है, फेलियर टू मेक पेमेंट कैन लीड टू ईदर डिफॉल्ट और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द फर्म.
क्योंकि आपकी कमिटमेंट होती है, ये पहले से लिंक है, क्योंकि आपकी कमिटमेंट होती है, तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने पहले शायद मैंने उसकी पिछली क्लासेस में बताया था ना कि इंसॉल्वेंसी जो होती है उससे जो है आप उसमें बैंक्रप्सी तक जैसे कैसे प्रोसेस होता है ना, तो अगर आप ऑटोमेटिकली जब आप नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर वो बैंक्रप्सी की तरफ चला जाता है। तो लेकिन ये है कि पेबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसमें क्योंकि आपके रिटन कमिटमेंट नहीं होती तो इसलिए वो डेट में भी नहीं आता। सही है, ठीक है। तो लिखा था कि ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग डेट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, इसको डेट कहलाते हैं। यानी अप्लाइंग दिस टेस्ट टू द आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो लायबिलिटी साइड है उसमें से क्या क्या चीज़ें डेट में आएंगी, जो जितने भी इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इंटरेस्ट बेयरिंग में चाहे वो ट्रेजरी बिल हो जिसमें होता है, वो तो इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होता लेकिन उसमें कमिटमेंट होती है, तो वो सब जो है ना डेट में आएगा। इसी तरह अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल शुड नॉट बी कंसीडर्ड डेट बिकॉज दे डोंट कैरी एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो सेकेंड पार्ट था, और एंड दे शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Alternatively, you can try to make implicit interest expense. अगर ये इन्होंने ऐसे बताया है कि अगर आप किसी ऐसी फर्म है उसका अकाउंट पेबल या रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर उसको हम डेट में क्लासीफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक तरह से आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, यानी कि आपकी वैल्यूएशन सही नहीं आएगी। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना है डेट के अंदर, उनको लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो आप implicit interest expense डाल दें, ठीक है ना। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट, वो एक्सप्लिसिट नहीं होगा, इम्प्लिसिटली आप इंटरेस्ट एक्सपेंस में बोले डिस्काउंट यू कुड हैव रिसीव्ड बाय पेइंग अर्ली रादर देन लेट। सो यानी कि अगर आप जो है लेट पे करेंगे तो उसमें वर्सेस आप अर्ली पे करेंगे उससे उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा बेसिकली, और उसको फिर आप ट्रीट करें डेट के अंदर। इसी तरह उन्होंने अदर लाइबिलिटीज की बात की है, जैसे अनफंडेड पेंशन हो गया, हेल्थ केयर ऑब्जर्वेशन ऑब्लिगेशंस हो गई, आर बेस्ट नॉट कंसीडर्ड एज डेट। सही है ना। तो ऐसी जो पेंशन फंड्स और ये सब हो गए, ये डेट इसलिए नॉर्मली कंसीडर नहीं होती कि इसकी जो है वो फिक्स पेमेंट नहीं हो रही होती। दो सम टाइम जो है ऐसा भी होता है कि इसको जो है कंपनी ऐसे अपने ऊपर वो लाजम भी कर लेती है तो वो डेट में आ जाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट जो है समटाइम्स वो कमिटमेंट इन अ रिटन फॉर्म में विद फिक्स पेमेंट वगैरह हो जाती है तो वो डेट में आ जाती है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होती डेट में। सही है। तो ये इसको से समझ में आ गया होगा कि डेट हमने किसको लेना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेट इज मार्केट इंटरेस्ट रेट, डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द कंपनी एंड टैक्स एडवांटेज। उस फर्म का मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, एंड देन डिफॉल्ट रिस्क, कंपनी का जो उसका डिफॉल्ट रिस्क होगा, ये कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है वो उस कंपनी की डेट की कॉस्ट को मैं डिटरमिन करेगा। इसी तरह कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क, अगर डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होगा तो उसकी डेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह टैक्स एडवांटेज, अगर टैक्स रेट ज़्यादा हो जाता है तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट कम हो जाती है तो वो भी डेट में अफेक्ट करेगी। So, as a consequence, debt should include what debt should include any interest-bearing liabilities, whether short-term or long-term, and any lease or obligation, whether operational or capital. Capital या operational lease भी debt में शामिल होती है, क्योंकि implicitly उसमें या तो interest charge हो रहा होता है, या ये कि उसके अंदर जो है और वो उसकी commitment होती है ना। ठीक है, clear है, कोई इसमें पूछना तो नहीं, चलें आगे चलें सर। As a consequence, debt should include the following thing. अब debt जो है वो उसमें क्या-क्या चीजें include करती हैं? One thing is कि any interest bearing the liability, चाहे वो short term हो या long term हो, and the second thing is any lease obligation, whether the operating lease or the capital lease. Next, please. Okay, estimating the cost of the debt. Cost of the debt estimate करने के लिए सबसे पहले we have to understand कि
what is the way of the calculation? Certainly, हम एक एक basic से definition देखेंगे. We can understand it with this way. कि in order to calculate the total cost of the debt, we need to add up the loans, we need to add up, you know, certain liabilities and the other financial tools the company required. So these are the things that can be calculated, that can make an ease in order to calculate the cost of the debt, and it can even be calculated with the formulas, certain prime formulas such like VAT, such like cost of the debt bond. Aur isi tarah se humne risk-free rate of returns wagaira ye sab padhe hain, all those things which can be providing an ease in order to calculate the cost of the debt. Ab yahan ye kaha ja raha hai ki if a firm has the bond outstanding and the bonds are traded, अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग है और अगर वो बॉन्ड्स जो है आप ट्रेड कर रहे हैं, सो द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेट, नो स्पेशल फीचर बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज अ इंटरेस्ट रेट. इसमें इंटरेस्ट रेट अप्लाई नहीं होगा. सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी यूज्ड. अच्छा, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली YTM यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट रेट. पहली बात तो ये, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट जो है वो, तो अब ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी इन द फर्म के, जहाँ अगर किसी फर्म के बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो बॉन्ड जो है ट्रेड होते हैं रेगुलरली, नंबर वन. और नंबर टू ये कि जो बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि उसका जो इंटरेस्ट रेट आई जो होगा, ये YTM जो हम कहते हैं, वो जो है ना वो कॉस्ट ऑफ डेट सपोज की जाएगी, ठीक है ना, ये कह रहे हैं. अच्छा, उस वो बॉन्ड हैज टू बी स्ट्रेट. स्ट्रेट मींस कि उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं होनी चाहिए, लाइक कॉल प्रोविजन, पुट प्रोविजन, इस तरह की नहीं होनी चाहिए. अगर कॉलेबल बॉन्ड है या पुटेबल बॉन्ड है तो फिर वो उसको उसकी प्रोविजन से निकालना पड़ेगा, उसको देन एज इफ उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस है. लेकिन बहरहाल अगर आपका नॉर्मल स्ट्रेट बॉन्ड है तो उसका जो है ना, उसका जो इंटरेस्ट रेट है या YTM होगा वो हमने एस्टिमेट करना है. इफ द फर्म इज, अगर फर्म बॉन्ड नहीं है, अगर फर्म का बॉन्ड नहीं है तो क्या है, इफ द फर्म इज रेटेड, तो अगर उसका, लेकिन वो रेटिंग है तो रेटिंग, यूज द रेटिंग एंड अ टिपिकल डिफॉल्ट स्प्रेड ऑन द बॉन्ड विथ that rating to estimate the cost of debt. वही मैंने जो पहले हमने तरीका बताया था कि अगर फर्म की अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो आप ये देखेंगे कि ट्रिपल ए रेटिंग की दूसरी फर्म का जिसका बॉन्ड मौजूद है उसका स्प्रेड कितना है, तो उसका डिफॉल्ट स्प्रेड जो होगा रिस्क फ्री, उसके अंदर वो कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा. तीसरा ये लिखा है कि अगर फर्म रेटेड ही नहीं है, सही है, सो इफ द फर्म इज नॉट रेटेड देन क्या करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक ऑप्शन नंबर वन है, एंड इट हैज रिसेंटली बोरोड लॉन्ग टर्म फ्रॉम द बैंक, यूज द इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोइंग, सही है. तो अगर उसने इससे पहले बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसमें जो लास्ट जो इंटरेस्ट पे किया है उस फर्म ने बैंक पे, तो वो जो है एज अ प्रॉक्सी ले लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट की, नंबर वन. दूसरा ये कि एस्टिमेट सिंथेटिक रेटिंग ऑफ द कंपनी एंड यूज सिंथेटिक रेटिंग टू अराइव एट द डिफॉल्ट स्प्रेड एंड द कॉस्ट ऑफ डेट. सिंथेटिक रेटिंग क्या होती है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपने जो है बैक ट्रैक करते हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज जो है वो जिन रेशोज से रेट करती हैं, आप अपनी कंपनीज के वो रेशोज निकालते हैं और उन रेशोज के हिसाब से आप रेटिंग बना लेते हैं कि अगर ये रेशो इतना होगा तो इसकी रेटिंग ये होनी चाहिए. और उस रेटिंग, जब आपने सिंथेटिक रेटिंग निकाल ली है, उस रेटिंग को फिर आप कंपेयर करेंगे सिमिलर रेटिंग के बॉन्ड के डिफॉल्ट स्प्रेड के साथ, वही सारा प्रोसेस होगा. तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप सिंथेटिक रेटिंग जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना. ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एक तरीका तो यही है कि आपने जो रेटिंग, जिस कंपनी की रेटिंग है ट्रिपल ए डबल बी इस तरह की रेटिंग है, अगर उनके आपने जो रेशोज निकाल लें, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज जो है अपने रेशोज वगैरह, जैसे टाई रेशो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, तो वो रेटिंग एजेंसीज जो है वो काफ़ी करती है. तो फॉर एग्जांपल आपने टाई निकाल लिया और आपकी फर्म का टाई निकाल लिया, तो आपकी फर्म का टाई जो है किसी और फर्म की टाई से, किस फर्म की टाई से मिल रहा है जिसकी रेटिंग मौजूद है, तो उससे, उसकी रेटिंग से आप सिंथेटिक रेटिंग निकाल सकते हैं. तो अगर ये, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि फर्म के पास कुछ नहीं है तो सिंथेटिक रेटिंग निकालें और उससे कर लें. अगर फर्म की डेट नहीं है तो फिर आपने जो है उसकी रेटिंग, उसकी रेटिंग मौजूद है, रेटिंग से आप कर सकते हैं. या कि फर्म के पास अगर इससे पहले बैंक से बोरो किया हुआ है तो उससे कर सकते हैं. या अगर सब कुछ अब मौजूद है, यानी बॉन्ड उसके आउटस्टैंडिंग मौजूद है, तो बॉन्ड की YTM जो है कॉस्ट ऑफ डेट होगी, सही है. फिर यह है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है has to be estimated in the same currency as the cost of equity and the cash flow on the valuation. तो ये point है कि currency जो है वो cost of debt की same होनी चाहिए, क्योंकि जो interest rate आप लेते हैं, जो cost होगी वो currency के हिसाब से vary करता है.
तो अगर यूएस की करेंसी होगी तो उसके उसका रिस्क भी रेट भी डिफरेंट होगा, उसका इंटरेस्ट रेट उसी अकॉर्डिंगली होगा, तो इस वजह से जो है करेंसी हैज टू बी सेम। अच्छा, डेट बीटा एंड कॉस्ट ऑफ डेट, जैसे डेट है, डेट का भी बीटा निकलता है, मतलब जैसे इक्विटी का बीटा होता है ऐसे ही जो है ना डेट का भी बीटा निकलता है। खैर ये इतना ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन डेट का बीटा, अगर अगर लोग डेट का बीटा निकालें, डेट का बीटा यही है कि कंपनी का मार्केट वैल्यू, जो मार्केट की जो इंडेक्स वगैरह है वर्सेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, इससे डेट का बीटा निकलता है। तो एक तरीका ये भी होता है, बाज लोग करते हैं, बहुत हर यानी हर कोई नहीं करता, लेकिन ये कि समटाइम्स पीपल डू के जैसे आप इक्विटी का बीटा निकालते हैं ऐसे डेट का भी बीटा निकाल लें। लेकिन डेट का बीटा जो है वो उसके अंदर कोई डाउन साइड्स भी होते हैं। नंबर वन, पहला डाउन साइड ये होता है कि जो बहुत सारी जो डेट है, मोस्टली जो डेट्स है ना वो नॉन ट्रेडेबल कहलाती हैं। तो नॉन ट्रेडेबिलिटी जो है ना इक्विटी में कम होती है, डेट में ज़्यादा होती है। डेट जो है ज़्यादातर होल्ड किया जाती है, तो इसके जब नॉन ट्रेडेबल, जैसे अभी हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन देखी थी ना जहाँ पे अब्दुल समी वाली के जो बिल्कुल ही हैप हैज़र्ड सी, यानी उसमें ट्रेंड नहीं बन रहा था और उसका जो आर स्क्वायर है बहुत लो था, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो डेट की नॉर्मली ऐसी ही निकलेगी। तो इस वजह से जो है ना उसका बीटा निकालना या उसकी जो लाइन बनाना वो इतना ज़्यादा जो है फिजिबल नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं। और दूसरा एक और ये होता है कि एसिमेट्रिक पे ऑफ्स होते हैं, ये जो पे ऑफ्स होते हैं वो अनइक्वल्स होते हैं, यानी कि कभी कभी जो जो डेट डेट जो है यानी कि कभी अनइक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें। इसके अलावा ये कि अगर तो आपके मल्टी टेनर डेट है, एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है आपकी कंपनी के अंदर कि आपकी डेट जो है वो मुख्तलिफ टेनर की है, यानी मुख्तलिफ मैच्योरिटी पीरियड की है, सही है ना? तो उसका क्या करेंगे, उसका ये करेंगे कंबाइन ऑल और यूज और डिफरेंट कॉस्ट, यानी कि या तो वेटेड एवरेज ले सकते हैं आप उसको, कि हर टेनर की डेट की डिफरेंट जो कॉस्ट आ रही होगी जितने भी होगा टेनर के हिसाब से उसको कर लेंगे, ठीक है ना? और उसकी कॉस्ट या तो डिफरेंट ले लेंगे, या ये यानी उसका तो उसको वेटेड एवरेज वगैरह कर लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट से ना, या ये दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको एज अ डिफरेंट यानी कॉस्ट ऑफ डेट डिफरेंट ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट वन, डेट टू, डेट थ्री, इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज लेके भी चल सकते। इसी तरह से एक और है कि जिसमें ऑपरेटिंग लीज आ जाती है और अदर फिक्स कमिटमेंट आ जाती है, इसको आप फाइनेंसिंग कह लें, ये इसमें इजारा, सुकूक वगैरह टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना? सुकूक तो खैर डेट में डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन इजारा हो गया और दूसरे हो गए ना, तो उसको ऑपरेटिंग लीज के फॉर्म में लिया है, तो उसको भी जो है ना आप डेट के फॉर्म में करेंगे, सही है ना? तो उसकी भी जो सारी बात है उसके भी जो रेट होगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से टैक्स एडवांटेज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लॉस, डोंट मेक टैक्स एडजम्पशन इन केस ऑफ अ लॉस। अगर तो आपकी कंपनी, ये एक छोटा सा एक अलग एक ये नहीं कि पॉइंट ये है कि अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, सही है ना, तो आपका जो यानी कि वो लॉस, क्योंकि डेट डेट की वजह से ना आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा होता है, सही ना, टैक्स का जो है लेकिन वो टैक्स एडवांटेज सेंस में होता है कि आपकी कंपनी ने टैक्स कम पे करना पड़ता है, तो अगर आप ऑलरेडी लॉस पे जा रहे होते हैं तो वैसे ही आपको टैक्स नहीं पे करना होगा ना, टैक्स तो प्रॉफिट में पे करना होता है। तो अगर वो कंपनी लॉस के अंदर है तो फिर आप वो टैक्स एडवांटेज ना लें, इसका मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, इसके अलावा जो है इनकी पर्सनल जो वो ये है कि there are two components of the cost of debt. Number one, you want a long-term cost. अगर long-term cost करें, नहीं 10 years का जो cost of debt, even if your debt is short-term. You do not want to reward companies that play the term structure by giving them a lower cost of debt and capital. ठीक है? अच्छा, होता ये है कि अगर आपको cost of debt में tenor लेना होता है कि वो कौन सी tenor की debt लें, यानी तो आप लॉन्ग टर्म में जाएं, मतलब ये एक वो है, एक एडवाइस है जो इन्होंने दी है दामोदर ने, तो वो 10 इयर्स की आप कॉस्ट लें तो 10 इयर्स की लॉन्ग हो सकती है,
क्योंकि जितनी लॉन्ग टर्म कॉस्ट डेट की कॉस्ट होती है ना, तो वो उसकी जो है रेट ज़्यादा होता है। तो टर्म स्ट्रक्चर में अगर शॉर्ट टर्म की डेट है तो उसकी रेट कम होता है। तो अगर कंपनीज शॉर्ट टर्म डेट लेती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देती, इन्होंने बताया कि कंपनीज कुछ कंपनीज की ये स्ट्रेटजी भी होती है कि बजाय इसके लॉन्ग टर्म डेट लेने के शॉर्ट टर्म डेट लेती है और रोल ओवर करती रहती है। खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी होता है कि लॉन्ग टर्म डेट लोग नहीं लेते, एक एक दो दो साल की रेट डेट लेके उसको रोल ओवर करते हैं। तो उस सेंस में जो है ना, इनका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम आ जाएगा, सही है ना। तो जो अगर कंपनी ऐसा कर रही होती है तो उसके उसको उसको काउंटर करने के लिए आप लॉन्ग टर्म डेट ले सकते हैं। ये बात समझ में आई है जी वाप साहब? सर मुझे उसमें क्वेश्चन पूछना था कि सर ये जो बात आपने कही कि टैक्स एडवांटेज की, तो जो वन माइनस टी फॉर्मूला लगाते हैं जो कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर ना, तो वो फिर अगर मेकिंग कंपनी के अंदर वन माइनस टी नहीं लगाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, अगर लॉस में होगी तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये हम ये कहते हैं ना कि टैक्स एडवांटेज मिल रहा है आपको, यानी टैक्स आपको कम पे करना पड़ता है। अगर लॉस में तो वैसे ही आपको टैक्स नहीं गिव करना पड़ेगा ना। जब हम टैक्स निकाल रहे होंगे तो जो केडी के आगे जो 1 - टी लगता है वो हटा देंगे दोस्तों। हां, वो हटा, ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा दूसरा ये कि जो हम बात कर रहे थे कि डेट कौन सी लें, शॉर्ट टर्म ले लॉन्ग टर्म, तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म डेट पे डेट लेती है और रोल ओवर करती है बजाय इसके लॉन्ग टर्म के। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म डेट लें, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस अभी किया है। और इफ यू वांट करंट कॉस्ट, इन अदर वर्ड यू डू नॉट केयर वेदर डेट डेट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द देने के, अगर आप जो उसकी करंट डेट लेंगे या नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, यू आर नॉट यानी उसमें आप इंडिफरेंट है आप। द बुक इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एनी मे इवन बी लोअर देन द रिस्क फ्री रेट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की हमने बात की थी, तो लॉन्ग टर्म में आपने 10 years की कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप करंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी कंपनी के अंदर जो करंटली जो डेट मौजूद है उसको अगर हम लेंगे एज अ कॉस्ट, तो उसके अंदर जो है नॉर्मली हम ले रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट बुक इंटरेस्ट रेट देते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट, तो वो आपका इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है बुक वैल्यू जो है दैट डजंट रिफ्लेक्ट, क्योंकि आपकी अगर डेट अगर वो बॉन्ड है तो उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के अंदर फर्क होगा, सही है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है यानी कि तो इस वजह से इट्स बेटर कि आप जो है ना उसको मार्केट वैल्यू पे ले लें। व्हाइल द कॉस्ट ऑफ डेट कैन एस्टिमेटेड इजीली बाय फॉर सम फर्म बाय लुकिंग अप द ट्रेडिंग बॉन्ड्स, इट कैन बी मोर डिफिकल्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग फर्म द डिफॉल्ट। तो यानी वही वाली बात कर रहे हैं कि आपकी जो अगर नॉन ट्रेडिंग फर्म है तो उसके लिए क्या किया जाए, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया जी। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, तो अच्छा बस ये बात है कि एक चीज समझ ले कि द कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी मार्जिनल, इट्स नॉट हिस्टोरिकल, सही है। तो हम ये बेसिक सी चीज है कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो एक तो और वजह है कि बुक वैल्यू से और इंटरेस्ट एक्सपेंस ना लेने की रीजन जो है कि ये बताया भी, ये भी बताया है कि बिकॉज वो करंट नहीं होती, वो हिस्टोरिकल होती है। तो करंट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मे बी डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट या चेंज इन समथिंग। तो ज्यादा बेहतर है कि आप अगर आपके पास ट्रेडिंग नहीं हो रही है आपकी फर्म की, तो अकाउंटिंग डेटा से डेट निकालने से बेहतर है आप जो है ना इसकी सिंथेटिक रेटिंग निकाल लें, या उसकी रेटिंग निकाल के जो है ना उसकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से डेट निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है, एंड यूज अ लॉन्ग टर्म डेट। ये सजेशन थी। चले आगे चलें फिर। ऑपरेटिंग लीज एडजस्टमेंट्स, अच्छा चले आप पढ़े, मैं कुछ होगा तो देख लेंगे। हेलो जी सर, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग लीज एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग लीज एंड द अदर फिक्स्ड कमिटमेंट,
first point is adjustment in the operating income. There we have the formula for the adjusted operating income, which is equivalent to stated operating income plus. अच्छा ये क्यों करते हैं? अच्छा ये भी समझ लें, ये हम क्यों एडजस्टमेंट करते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज जो है ना वो एक्सपेंस होती है, तो उसकी बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं होता, हालांकि वो लीज कमिटमेंट्स हैं। तो उसको जैसे हमने जैसे इजारा वाली बात की थी या इस्लामिक बैंकिंग की बात की थी, वो कमिटमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स तो हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ रेवेन्यूज में, उसका इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है ना एज अ एक्सपेंस। तो इसलिए जो है ना, अगर इस तरह की कमिटमेंट्स आती हैं तो उसको आपको एसेट्स और लायबिलिटी में कन्वर्ट इन, इसको बैलेंस शीट में डालना होता है, सही है ना? तो वो तो वो उसका तरीका है कि एक तो एक तरीका तो ये कि एडजस्टमेंट्स इन ऑपरेटिंग इनकम करेंगे, यानी कि एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम इक्वल्स टू जो आपकी स्टेटेड इनकम है, जो आपकी आ रही होती है ऑपरेटिंग इनकम, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज कमिटमेंट्स मल्टीप्लाई बाय प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। यानी कि आपकी जो टोटल कमिटमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका वैसे उसमें IFRS के हिसाब से जो है ना, उन्हें कहते भी हैं कि लीज को जो है ना, आप उसको बैलेंस शीट में एसेट्स और उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कमिटमेंट्स को आप एज एसेट ट्रीट करें और उसको फिर एमोर्टाइज करें। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कमिटमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के साथ, तो वो आपके जो है लीज की बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा कि उसको एज अ डेट कन्वर्ट कर लेंगे आप, ये समझ, सही है ना? जिसको हम ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं कि लीज कमिटमेंट तो है, ऑपरेटिंग लीज है, तो वो फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस आपने पहले पे कर दी है ना, तो अच्छा क्या किया है टू कन्वर्ट। अच्छा दूसरा है कि आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं, दैट मींस एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू स्टेटेड, यानी जो इनकम है, प्लस ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस, जो भी आपका एक्सपेंस आ रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द लीज एसेट। बेसिकली ये दोनों काम इसलिए कर रहे हैं कि इसको एज अ एसेट ट्रीट करें, ठीक है ना? इस करंटली जो है एज अ रेंट एक्सपेंस ट्रीट हो रहा होता है, तो इसलिए जो है ना उसको एसेट ट्रीट करेंगे, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट होती है। तो टू कन्वर्ट द लीज टू डेट, वी नीड अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द लीज कमिटमेंट इनटू द फ्यूचर दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड। पहले तो आप ये उस फर्म की देखें कितनी लीज कमिटमेंट है, अगर उसने बहुत सारी लीज पे चीजें ली हुई हैं, तो उन तमाम को जो है ना आपने एक जगह टोटल कर लेना है। देन वी नीड टू वी आल्सो नीड अ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट टू डू द डिस्काउंटिंग। वो जो कमिटमेंट्स आपकी आ रही है फ्यूचर वैल्यू की, उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज कमिटमेंट के लिए आपको जो है ना उसको डिस्काउंटिंग करनी होगी, तो उसके लिए आपने कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो आपने प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ले लें। व्हाइल दिस मे बी सिंपल If the firm has a bond rating, it became more complicated. If not rated, ये हमने बता दिया, अगर not rating है तो उसके लिए क्या करना है। We can try to compute synthetic rating, but will run into a problem of circularity. Circularity problem ये होती है कि जिस चीज से synthetic rating निकाल रहे हैं, वही चीज जो है आप यानी जिस चीज पे depend करती है synthetic rating, उसी चीज की वो input भी है। यानी वो जिस चीज पे आउटपुट, जिस चीज की आउटपुट पे वो डिपेंड करती है, वही उसी चीज की इनपुट भी होती है, तो ये सर्कुलरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्योंकि सिंथेटिक रेटिंग खुद डेट से निकलती है, और डेट के लिए आप सिंथेटिक रेटिंग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए सर्कुलरिटी है। सिंस वी नीड इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कंप्यूट द रेटिंग, बट वी नीड द रेटिंग टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट एंड द पोटेंशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम द डेट, द सॉल्यूशन इज टू यूज इटरेटिव प्रोसेस वेयर वी कंप्यूट द सिंथेटिक रेटिंग एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट साइमल्टेनियसली। तो ये डिटेल में आप देख लीजिए, इसके इटरेशन मींस वो कई दफा एक चीज रन की जाती है, उसके बाद इसकी वैल्यू आती है। तो बहरहाल ये एक अलग प्रोसेस है, लेकिन इसमें सर्कुलरिटी हो सकती है, तो इसको अवॉइड किया जाए। जी एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल जी, आगे चलें। जी सर, to convert the leases to the debt, we need a listing. To convert the leases to the debt, we need a listing of all these lease commitments into the future that have already been made. We also need a pre-tax cost of the debt to do the discounting. While not rated, while this may be simple, if the firm has a bond rating, it becomes more complicated if the firm is not rated. We can try to compute a synthetic rating, but will run into a problem of circularity. Since we needed the interest expenses to compute the rating,
but we need the rating of to compute the present value of the debts and the potential interest expenses from the debt. So the solution to use an alternative process, no, it's a iterative process where we compute the synthetic rating and the present value of the debt simultaneously. Iterative process? Sir, can you please explain this iterative process, or is it written something wrong? ये मैंने अभी आपको समझाया तो है. इटरेटिव प्रोसेस जो है वो ये होता है, इटरेशंस होती हैं, बार बार जो है ना एक चीज को आप रन करते हैं, रेपिटेशन कह लें उसको ना. तो यानी कि ये कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना के उसमें डालते हैं और वो बार बार एक चीज रन करता है. जैसे IRR निकालने के लिए हम कर रहे होते हैं ना, बार बार आप करते हैं जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाता है, तो इसको इटरेशन के थ्रू जो है आप इसको हल कर सकते हैं सर्कुलरिटी को. बहरहाल ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा इस वक्त इसकी ना. Okay, next. Cost of the hybrid. Here we have explained two of the major categories to introduce this cost of the hybrid. The first one is preferred stock. Preferred stocks hote kya hain? Preferred stock is a different type of the equity that represents the ownership of the company and the right to claim the income from the company's operation. दो तरह के स्टॉक्स हमने यूजुअली देखे हैं, एक प्रेफर्ड स्टॉक्स देखे हैं और हमने कॉमन स्टॉक्स देखे हैं. तो यहाँ पे हमने प्रेफर्ड स्टॉक्स को कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स की कैटेगरी के अंदर देखा है. वी हैव क्लासिफाइड इट द शेयर्स, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेट एंड द प्रेफर्ड डिविडेंड इज प्री स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द इशू एंड इज पेड आउट बिफोर द कॉमन डिविडेंड एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी. द पेमेंट ऑफ द preferred dividends are not the tax deductible. If the preferred stock is viewed as a perpetual, the cost of the preferred stock can be written as, there we have the formula, KPS is equal to preferred divided dividend per share divided by market price per preferred share. The next is convertible debt. What the convertible debts are? With the convertible debt, we understand the terminology where the business borrows the money from the lender or the investor, where the both parties entered into the agreement with an intent to repay all of the loans by converting it into the certain number of its preferred or the common shares at some point in the future. So the convertible debt is a part debt or the bond part and a part equity, the conversion option. It is best to break it into the component parts and eliminate it from the mix altogether. Two of the certain points here to define it. Number one is option. Pricing model to value the conversion option treated by the equity or the differences between the straight line and the conversion debt. The second is assume the straight line and treat as a debt. आपकी आवाज क्लियर नहीं है भाई. चलिए मैं इसको इसमें देखें, अगर आपका कन्वर्टेबल डेट है तो उस पर क्या कर सकते हैं. कन्वर्टेबल डेट में बॉन्ड भी होता है और स्टॉक इक्विटी भी होती है, यानी कि वो कन्वर्ट हो सकता है बॉन्ड के अंदर. तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इसको दो चीजों में ब्रेक कर लें, एक तो स्ट्रेट बॉन्ड में बना लें और दूसरा ऑप्शन प्राइसिंग से उसका कन्वर्टेबल ऑप्शन अलग बना लें. तो उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड जो है कन्वर्टेबल डेट को आपने एक डेट यानी कि आप एज ट्रीट दैट बॉन्ड एज नॉन कन्वर्टेबल, तो उसके हिसाब से जो है ना आपको उसका जो YTM होगा वो आपका बॉन्ड का कॉस्ट हो जाएगी. और दूसरा है कि इसमें आप अपने ऐड कर लें कि आपने आपके पास एक ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन की प्राइसिंग के हिसाब से ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि उस ऑप्शन की वॉलीटिलिटी और ये सब डाल के उसकी प्राइस निकाल सकते हैं. तो वो जो ऑप्शन की जो प्राइस होगी वो अलग आपके पास आ जाएगी. तो ये दोनों मिला के कन्वर्टेबल बॉन्ड डेट आप वैल्यू कर सकते हैं. तो कैसे उन्होंने किया है जिसमें द इजिएस्ट वे टू ब्रेक डाउन द कन्वर्टेबल बॉन्ड इज टू वैल्यू इट इज अ स्ट्रेट बॉन्ड, ठीक है ना, एंड देन असाइन अ रिमेनिंग मार्केट वैल्यू टू द कन्वर्जन ऑप्शन. यानी कि आपने जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड को जो है ऐसा स्ट्रेट बॉन्ड बना के उसकी जो वैल्यू निकालना है एज अ स्ट्रेट बॉन्ड की, और जो डिफरेंस बिटवीन दैट एंड द मार्केट वैल्यू होगी वो आपने उसको कन्वर्जन ऑप्शन के तौर पर लिस्ट कर दिया. क्योंकि मैंने बताया ना ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से आपने ऑप्शन, तो इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 2004 में डिज्नी हैज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद 19 इयर्स लेफ्ट टू मैच्योरिटी एंड अ कूपन रेट ऑफ 2.125% ट्रेडिंग एट 1064. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड था इनके पास, 1064 पे ट्रेड हो रहा था और कूपन इसका था 2.125, 19 इयर्स का बॉन्ड था. होल्डर ऑफ दिस बॉन्ड हैव द राइट टू कन्वर्ट इनटू 33.94 शेयर्स ऑफ स्टॉक एनी टाइम, ठीक है.
to break the convertible bond into straight bond and a conversion option, we will value the bond using Disney pre-tax cost of debt is 5.25. So pre-tax cost up 5.25. So at this conversion ratio, the price that investor would be paying for Disney share is 29.46, which is much higher than the 20.46 prevailing price. At the time of by adding the default spread, at the time of the analysis. So जब आपने कन्वर्ट किया, दैट मींस वो जो बॉन्ड आपका था जो कि 1064 का था, उसको डिवाइड कर दिया 33.94 शेयर्स पे, तो उसकी शेयर प्राइस जो एक शेयर की प्राइस आ रही है 29, जो कि उससे ज़्यादा है जो उस पॉइंट पे जो मार्केट प्राइस चल रही थी, ठीक है ना, बॉन्ड की. तो दैट मींस के बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. नंबर वन द रेट हैज़ बीन, तो उस पर फिर आपने क्या किया, उसको एज अ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड ट्रीट करें. तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने वैल्यू जो आपने इंटरेस्ट रेट जो है 2.125 रखा आपने, और आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो आपकी जो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो आ रही थी वो आ रही थी, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन जो कि 21, जो कूपन जो आपने 2.125 का जो कूपन रखा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो 21.25 के कूपन आपको मिल रहे थे फॉर 19 इयर्स, यानी कि प्रॉक्स किया आपने, प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100. तो आपने कूपन की प्रेजेंट वैल्यू वो निकाल उसको डिस्काउंट कर दिया और पीवीए कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 को डिस्काउंट कर दिया, तो ये आपकी आ गई थी 629.91. आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी 1064, और उसके बाद आपने जो वैल्यू एस्टिमेट की, अगर ये बॉन्ड आपका स्ट्रेट बॉन्ड होता तो इसकी वैल्यू आ रही थी, यानी कि इसके अंदर कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होता तो इसकी वैल्यू आ रही थी 629.91. तो जो डिफरेंस हो गया वो 434.09 जो है पर बॉन्ड आपका कन्वर्ज जो मार्केट वैल्यू होगी जो आपकी कन्वर्टेबल कन्वर्जन ऑप्शन होगा. So the straight bond component is 630 is treated as debt and conversion option 434 will be treated as equity. ठीक है ना? क्योंकि conversion option है तो that means कि this is conversion option जो है ना, equity का conversion है, इसलिए that will be treated as equity. तो ये इस तरह से इसको divide कर लेंगे convertible bond. जी सवाल. सर cost of mixed debit और cost of finance यानी कि financing cost जो कि given होती है सर, दोनों same ही है? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कहाँ की बात कर रहे हैं, या कहाँ लिखा है इसमें सर? फाइनेंसिंग सर यहाँ पे तो नहीं लिखा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड, जिसके अंदर आप दोनों कन्वर्टेबल डेबिट और प्रेफर्ड स्टॉक को, तो सर अगर कंपनी की उसके अंदर फाइनेंसिंग कॉस्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है और आपने कॉस्ट ऑफ मिक्स डेबिट निकालना है, तो आप फाइनेंसिंग कॉस्ट को उसका रेशियो निकाल सकते हैं, और किस तरह मतलब फाइनेंसिंग में तो सारी चीजें आ जाती है, डेट भी आ जाता है और नॉन डेट भी आ जाता है, जैसे ऑपरेटिंग लीज वगैरह हो गई, फाइनेंसिंग. सर मिक्स डेबिट के अंदर यानी मिक्स डेबिट क्या होता है मुझे समझ में, मिक्स डेबिट क्या है मतलब, मिक्स डेबिट की बात, ये कहां टर्म पढ़ी है आपने सर? ये हाँ, ये क्या नाम है, ये जो चैप्टर 4 कंप्लीट जो हमें करना था ना, उसके अंदर रिक्वायरमेंट है लाइफ केस स्टडी के अंदर. अच्छा, मिक्स डेट कह रहे हैं उसमें? यस सर. वो तो नहीं है, मुख्तलिफ टेनर की डेट जो है, जैसे आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के. अच्छा, हो सकता. अच्छा, तो ये होगी, हो सकता है सर. मिक्स डेट तो यही है ना कि आपकी डेट जो है मुख्तलिफ, अगर डेट आपने ली हुई है तो उसकी उसका टोटल क्या होगा ना, ये हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है ना. यस सर. सर हमने शायद पहले की स्लाइड में हाइब्रिड मिक्स डेबिट के अंदर फाइनेंसिंग कॉस्ट को तो नहीं कह रहे थे ना, यानी कि भाई आपने कितनी कॉस्ट इक्विटी से फाइनेंस करनी है, कितनी कॉस्ट आपने डेट से फाइनेंस करनी है? वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं ना. अभी तो हमने पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस किया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ डेट डिस्कस किया, ठीक है ना. okay. अगर आप डेट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएगा. अब हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं कि अगर वो हाइब्रिड है, यानी कि वो डेट और इक्विटी का मिक्सचर है, ऐसे सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? तो उसमें हमने दो चीजें, प्रेफर्ड स्टॉक है तो प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन आपको मालूम है कैसे करते हैं, और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर है तब क्या करेंगे, वो हमने अभी डिस्कस किया. क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें. चले ठीक है, तो ये क्लियर हो गई आपको. अगर आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो उसको आपने स्ट्रेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है. वो कैसे करेंगे कि आपने जो है वो कूपन रेट ले लेना है जो कि उस बॉन्ड पे चल रहा था आपका, वो जैसे इस डिज्नी के अंदर 2.12 था, तो 2.12 का कूपन है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो 2.12 का कूपन देगा मल्टीप्लाई बाय, अगर क्योंकि 100% है वो 1000 की प्रेजेंट वैल्यू होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो
तो 21.25 का कूपन मिल जाएगा, और इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इसकी निकाल लें और 1000 को जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 629, और डिफरेंस 629 आपका डेट में चला जाएगा और 434 जो है वो आपका इक्विटी में चला जाएगा ड्यू टू द कन्वर्जन ऑप्शन। चलें आगे चलें, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जरा सही सही क्लियर है सर, आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने पोजीशन भी सही है, आप सही है जी। ओके, रेट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कैलकुलेशन, द वेट्स यूज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कंप्यूटेशन शुड बी द मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यू, मार्केट शेयर्स, क्लासेस, सम नॉन ट्रेडेबल aggregated and the calculated for the non-tradable. Number two point is equity option for the non-private businesses is equivalent to using the market divided by debt ratio for the tradable firms. Treat entire debt on the book as coupon bond. What is a coupon bond? Public coupon bond will be equivalent to initial expense on all the debt maturity, which will be equivalent to all that. There are three specious arguments used against the market value. What are these three arguments? It is defined below. Book value is more reliable than the market value because it is not as volatile. While it is true that book value does not change as much as the market value, this is more a reflection of the weakness and the strength. Using the book value rather than the book value is a more conservative approach to estimating the debt ratios. For most companies, using the book values will yield a lower cost of the capital than using the market value. Number third, since the accounting returns are computed based upon the book value, consisting requires the use of the book value in computing the cost of the capital. While it may seem consistent to use the book values for both accounting return and cost of the capital calculation, it does not make the economic sense. अच्छा, तो ये बेसिकली इन्होंने बताया है कि आप जो है बुक मार्केट वैल्यू यूज करें, वेट का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास आ गई और आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, तो अब उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट 15% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है और कॉस्ट ऑफ डेट 5% है, तो अब आप अगर मार्केट वैल्यू में जाएंगे तो जो टोटल कैपिटल में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, उससे आपका वेट निकल आएगा, और अगर बुक वैल्यू पे जाएंगे तो इसी बुक वैल्यू से वेट निकल आएगा। तो अब सवाल ये है कि आप जो है वो वेट किससे निकालें, मतलब बुक वैल्यू से निकालें मार्केट, तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई हम मार्केट वैल्यू से निकालें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा तो अच्छा तो मार्केट वैल्यू जो है अगर मल्टीपल शेयर्स क्लासेस हैं, सम नॉन ट्रेडेबल अगर शेयर हैं एग्रीगेट, तो एग्रीगेट कर दें एंड कैलकुलेट फॉर नॉन ट्रेडेबल्स, और अगर एक यानी कि मार्केट वैल्यू के अंदर जो प्रॉब्लम यानी कि जो डिटेल्स हो सकती है ना, तो एक तो ये हो सकती है कि आपके मल्टीपल क्लासेस ऑफ शेयर होंगे, तो अगर मल्टीपल क्लासेस ऑफ शेयर होंगे और समय कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो ट्रेडेबल ही नहीं होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो है ना, ऐसी क्लासेस को जो एग्रीगेट कर सकते हैं नॉन ट्रेडेबल के साथ। और दूसरा आपके पास इक्विटी ऑप्शंस होंगे, जैसे हमने पहले बात की थी ना, जब डेट और इक्विटी का अलग अलग किया था तो उसको हम इक्विटी ऑप्शन लगा लिए, तो उसको भी हम मार्केट वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्विटी ऑप्शन को भी इक्विटी में ऐड कर देंगे और इसके अलावा नॉन ट्रेडेबल डेट को भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर नॉन प्राइवेट बिजनेस है तो यूज मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय डेट रेशियो फॉर ट्रेडिंग ट्रेडेबल फर्म, सही है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ जो आपकी मार्केट वैल्यू उससे कर लेंगे। ट्रीट इंटायर डेट ऑन बुक एज अ कूपन बॉन्ड, अगर आपके डेट की मार्केट वैल्यू मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसका एक तरीका हमने ये एक राउंड अबाउट ये है कि आपके पास जितनी भी डेट आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है उसको एज अ उसकी जो उसको आप एज अ कूपन बॉन्ड सपोज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो टोटल जो डेट है
वो दैट इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू द लायबिलिटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने जितना भी उस डेट पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है उसको आप कूपन सपोज कर लेंगे, और वो जो डेट जो है यानी वो जो डिफरेंट जो आपकी लायबिलिटीज मौजूद है उनकी जो मैच्योरिटी होगी उसका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, वो मैच्योरिटी हो जाएगी। तो अगर आप इसको जो है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस मैच्योरिटी और इसको उसको तीनों को करेंगे तो इससे जो है ना यू कैन गेट द कॉस्ट जो यानी कि जो आपकी यानी YTM निकल आएगी इस तरह से। तो इस तरह से आप कूपन उसको एज अ कूपन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ये इसमें मेरे पास यही है इसके अंदर। अच्छा assume that the market value of debt ratio is 10 while book value is of debt is 30. For example, अगर market value of debt जो है वो अच्छा debt ratio की बात हो रही है। अच्छा अगर firm cost of equity 15 है और cost of debt 5% है तो cost of capital हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम मार्केट वैल्यू डेट रेशो जो है आपका 10% है तो आप जो है 90% इक्विटी और 50% डेट है तो उसका वेट 90 और 10% कर लेंगे। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो वेट जो है 7 या 3 आ जाएगा। तो अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं इसी केस के अंदर तो जो कॉस्ट ऑफ डेट आती है वो 14% आ रही है, और अगर बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो ये 12% आ रही है। तो 12% इज मोर टूवर्ड्स कंजर्वेटिव देन द मार्केट वैल्यू। सो ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि बुक वैल्यू यूज़ करें तो बुक वैल्यू इज़ मोर कंजर्वेटिव, और जो दूसरे आर्गुमेंट दिए हैं कि बुक वैल्यू इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट्स मोर वॉलेटाइल इज़ लेस वॉलेटाइल, तो बुक वैल्यू में वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो इन्होंने ये कहा है कि इट्स नॉट अ स्ट्रेंथ बट द वीकनेस है, क्योंकि अगर एक्चुअल वॉलेटाइल है तो अगर नॉन वॉलेटाइल हो रही है तो एक्चुअल से दूर हो रही है, तो इट्स एक्चुअली द वीकनेस। तो उसको भी मार्केट के हिसाब से चेंज होना चाहिए। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है बुक वैल्यू इज मोर कंजर्वेटिव यानी इज अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच, जिस हमने देखा कि इसका एस्टिमेट कंजर्वेटिव आ रहा है जिसकी वजह से आपके डेट की कॉस्ट कम आ रही है, जिसकी वजह से आप जो है ना वो आपकी वैल्यूएशन सही नहीं आएगी। और सिंस द अकाउंटिंग रिटर्न आर कंप्यूटेड बेस्ड अपॉन बुक वैल्यू कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड the use of book value in computing cost of capital, while it may seems consistent to use book value for both accounting return and cost of capital calculate, does not make an economic sense. यानी कि अगर consistency argument है तो consistency argument जो है वो कोई economic sense नहीं बनाता, कि सिर्फ ये बात के कि consistency एक आ जाएगी तो ये that doesn't make an economic sense, कि अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो चाहे वो consistent हो तब भी वो सही नहीं होती, मतलब इसका logic ये है। तो इसमें कोई चीज पूछनी है कोई तो प्लीज मुझे पूछना सर वहां बात जी बात। अगर हमारा किसी से अवेलेबल ही नहीं है मार्केट वैल्यू किसी डेट की या तो हम क्या करेंगे कि बुक वैल्यू यूज नहीं कर सकते अल्टरनेटिवली? अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मतलब जारी बात है एक चीज है जो ट्रेड ही नहीं हो रही। तो एक तो इन्होंने बताया कि उसकी जो बॉन्ड में या तो आप उसको कन्वर्ट कर दें, यानी कि आप इस तरह से कर लें कि जैसे इसमें बताया ना कि बॉन्ड के उसको जो है ना बॉन्ड बना दें कि जितना भी उसकी जो जैसे लॉन्ग टर्म लोन होता है फ्रॉम द बैंक, जैसे आपके जो लॉन्ग टर्म लोन है या मुख्तलिफ आप जैसे आपके मुख्तलिफ डेट मौजूद है उन सब आपको डेट को जो आपने टोटल कर देना है, और टोटल करने के बाद जो है ना उसको एज अ बॉन्ड एक बॉन्ड ट्रीट कर देना है, और जितने भी आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपको पे करना है उस डेट पे वो उसको कूपन बना देना है, ठीक है ना। और आप जो एवरेज जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी होगी वो आपकी इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। आई अगर आप मार्केट का इंटरेस्ट रेट रखें, ठीक है ना, अगर आप आई रखेंगे तो आई मार्केट का रेट रख के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वो भी जो वैल्यू आएगी वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी, इवन दो कि यू डोंट हैव अ मार्केट वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, है ना। तो अगर बजाय इसके एक बार मतलब जैसे बैंक लोन है या दूसरे है ना, तो आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है ना, तो आप जितने भी लोन्स है ना जैसे बैंक लोन्स आपके 10 बैंकों के लोन्स है ना, ये आप समझ ले चले एक ही बैंक का लोन है, तो उस बैंक का लोन को के जो अमाउंट है ना जो अमाउंट आपकी आउटस्टैंडिंग है उसको जो है आपने अज्यूम करना है कि दिस इज बेसिकली द प्रेजेंट जो आपकी बॉन्ड है, लेट्स सपोज, सही है ना।
अच्छा, इसके अलावा जो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको आपने अज्यूम कर देना है कि आपने बॉन्ड पे जो है ना कूपन दे रहे हैं, कूपन पेमेंट, ठीक है ना, कूपन पेमेंट, और उसको फिर आपने बॉन्ड के फॉर्मूले में डाल के आई से आई जो है आप अपना मार्केट रेट रखेंगे, तो मार्केट रेट से जब आप डिस्काउंट करेंगे उन कूपन पेमेंट्स के, जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आएगी वो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ योर डेट आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इसके सारी आर्गुमेंट्स को ना एक्चुअली उसको उसको रद्द किया है बेसिकली ना, कि बुक वैल्यू जो है वो अगर कोई कहता है वॉलेटाइल नहीं नहीं होती और वो कंसिस्टेंटली हम पहले से यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द आर्गुमेंट, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा, यानी एक्चुअल वैल्यू तो वही है ना बेसिकली। अभी अभी ये हो गया कि जो सर बुक वैल्यू भी होती है ना अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कहते हैं ये एक्चुअली नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना से होती है, ये कहलाती है डिस्काउंटेड वैल्यू, और ये अकाउंटिंग भी अब इसी बेसिस पे हो रही है, ये तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही लेके जाते हैं, यानी मार्केट वैल्यू बेस्ड कर रहे हैं बुक वैल्यू, हाँ मार्केट वैल्यू नहीं, ये ये मार्केट वैल्यू ना आप कह रहे हैं इसको कंसीडर करेंगे कि बॉन्ड होगा और इसको, हाँ हाँ अच्छा अच्छा इसको इस, हाँ तो अब आपके अब यानी कि आप बुक वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं मार्केट वैल्यू पे, हाँ इसको क्या क्या कहते हैं, क्या डिस्काउंटेड वैल्यू कहलाती है अकाउंटिंग में, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू और इसी पे अकाउंटिंग होती है, हाँ तो अब यानी कि वो लॉजिकली है ना, देखिए अकाउंटेंट इट डज इट इज आल्सो स्टार्ट टू मेक सेंस ना, कि भाई ये जो है ना सही वैल्यू है तो इसके अंदर भी आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है सर, इसको यूं ही कर रहे हैं अकाउंटिंग भी है या बुक वैल्यू यही ट्रीट कर रहे हैं। तो अब हमें ये भी आज आपने ये भी सीख लिया कि अगर आपके पास बुक वैल्यू मौजूद है और मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसको बुक वैल्यू एंड अकाउंटिंग के नंबर्स को आपने कैसे मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, चलें आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड, चूजिंग का हर्डल रेट, इधर द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी और द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कैन बी यूज्ड एज अ हर्डल रेट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिटर्न्स मेड इट आर टू द इक्विटी इन्वेस्टर और टू ऑल द क्लेम होल्डर्स ऑन द फर्म कैपिटल. If the returns are near to the equity investor, then the appropriate hurdle rate is the cost of equity. If the returns are near to the capital or the fund, the appropriate hurdle rate is the cost of equity. Whatever behavior in this business can be, it can be in the form of continuity to use the book value, outsourcing regulation, or hurdle rate which is equivalent to past project earnings. तो इट इज बेसिकली इधर इसे बेसिकली कहा है कि हर्डल रेट हम क्या लें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लें या कॉस्ट ऑफ कैपिटल लें, दैट डिपेंड्स के वेदर द रिटर्न आर मेजर्ड आर टू इक्विटी, यानी कि अगर आपने जो रिटर्न्स निकाल रहे हैं वो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए आप जो है रिटर्न निकाल रहे हैं तो सारी बात है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेंगे, यानी एज अ हर्डल रेट, अगर आप फॉर अ फर्म निकाल रहे हैं जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेंगे, तो इफ रिटर्न इज मेजर टू इक्विटी इन्वेस्टर्स तो इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह हो जाएगा, तो व्हाइल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी वेरी डिफरेंट नंबर्स दे कैन बोथ बी यूज्ड एज अ हर्डल रेट एज लॉन्ग एज द रिटर्न एंड कैश फ्लोज आर डिफाइंड कंसिस्टेंटली, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टर के लिए निकाल रहे हैं तो इक्विटी ही देंगे और डेट लेंगे कंसिस्टेंटली जो है ना, अगर उसमें आए तो उतना प्रॉब्लम नहीं, इफ द रिटर्न एंड कैश फ्लोज आर इक्विटी बेस्ड that is return on equity and cash flow to equity the appropriate hurdle rate is cost of equity, theek hai na, agar aapne cash flow jab equity based nikala hai yani ye cash flow ke andar se aapne jab cash flow calculate karna hai uske andar se aapne interest expense minus karke nikala hai to zari baat hai aap hurdle rate cost of equity lenge, if return and cash flows are firm or operating asset based return on capital or cash flow to firm the appropriate hurdle rate is cost of capital, theek hai na, so that depends ke aapki cash flows kaisi hain to uske hisab se hurdle rate le sakte hain, थियोरेटिकली बोथ विल लीड टू द सेम आंसर, तो इसमें इतना फर्क नहीं होगा क्योंकि यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ हर्डल रेट लिया है तो आपने ऊपर कैश फ्लोज के अंदर कैपिटल में कैपिटल को माइनस नहीं किया कॉस्ट ऑफ डेट, तो आपने क्योंकि आपने डेट ज़्यादा बढ़ा दिए तो वो एक दूसरे को कैश फ्लो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर लेंगे तो इतना थियोरेटिकली फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन इट्स बेटर क्या, क्योंकि हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन फॉर प्रोस्पेक्टिव फर्म कर रहे होते हैं ना फर्म वैल्यू निकालने के लिए, तो जाहिर बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी द हर्डल रेट। जी कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? जी सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी वाप साहब, पहले वाप साहब जी बताएं। बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव क्या चीज़ है? अच्छा बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव, हाँ ये यानी कंटिन्यू टू यूज बुक वैल्यू आउटसोर्सिंग कैलकुलेशन हर्डल रेट इक्वल्स टू पास्ट प्रोजेक्ट अर्निंग। बिहेवियरल फाइनेंस जैसे हमने कहा ना, बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि लोगों का बिहेवियर व्हाट इज द इन मे बी दे आर इन रैशनल बट लेकिन जो लोग व्हाट दे नॉर्मली डू, सही है ना? तो उन्होंने वो क्या करते हैं, नंबर वन जो यूज करते हैं वो ये करते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज कर रहे होते हैं, बुक वैल्यूज ले रहे होते हैं, तो विच इज इन रैशनल नंबर वन। दूसरा ये कर सकते हैं कि वो कैलकुलेशन की आउटसोर्सिंग कर देते हैं, यानी कि वो जो कैलकुलेशन हैं यानी कि आउटसोर्सिंग कैलकुलेशन का मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं वो किसी और पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, यानी कि बजाय इसके आपकी फर्म के इंडिविजुअल डायनेमिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें, वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, टू सेव द स्किन दे ट्राई टू बी जनरलाइज थिंग्स ना। और तीसरा ये कि हर्डल रेट जो है वो पास्ट डेटा के हिसाब से आपने हर्डल रेट वगैरह और सारी चीजें निकाल रहे होते हैं, यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके अंदर वेट्स वगैरह दूसरी चीजें हैं ना, वो पास्ट डेटा के हिसाब से कर रहे होते हैं, विच इज मोर एक्यूरेट लेकिन लेस रिलायबल, सही है ना? यानी मोर एक्यूरेट का मतलब ये कि वो जो है उसके अंदर गलती की गुंजाइश, मतलब वो एक्चुअल नंबर्स हैं तो इसलिए वो सेफ होता है लेकिन रिलायबल नहीं है। तो ये जो है ना बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव से बात की है कि ये फ्लॉज है, लेकिन बिहेवियरल यानी मैनेजमेंट जो है अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं इवन इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो बेहतर तरीका है ना वो तो हमने डिस्कस कर लिया सारा कुछ ना, लेकिन ये जो बेहतर तरीका है इसके अंदर जो है सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, सही है ना? तो और सब्जेक्टिविटी जो है, अगर देखिए ना मैं इसकी चले बॉटम लाइन में आपको बता देता हूँ। बॉटम लाइन ये होती है कि आपने अगर अगर आपके आपके कामों पे पकड़ ज्यादा होती है और आपकी अप्रिसिएशन कम होती है तो आप जो है ना सेफ जाते हैं। तो उसके अंदर बेहतर यही है कि आप जो है ना एक्यूरेट यानी पुराने नंबर्स को ले लें जिसपे आप आपकी पकड़ ना हो, आप ये समझ लेना। यानी फॉर एग्जांपल आप अगर आपने जो है 100 काम करते हैं तो 100 काम में से जो है हो सकता है आपके फेलियर रेट 10% हो, तो 90 काम अच्छे भी हो जाते हैं और 10 काम गलत भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके 10 काम गलत होने पे जो आपकी पकड़ होने का चांस ज्यादा है, जो कि फाइनेंस में होता है कि आपने एक भी गलत चीज डाल दी, तो वो 100 अच्छे काम भी होंगे, 100 जो आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे ना वो फिर इग्नोर हो जाते हैं। तो दे फोकस ऑन के आपने कोई गलत काम कर लिया तो वो ओवरशैडो कर लेता है अच्छे कामों पर। तो इस वजह से जो मैनेजर्स हैं दे टेंड टू बी प्ले सेफ वाली जो बात है ना, उसके लिए जो है ना वो उनके लिए जो बेहतर मेजर है वो यही है कि आप पास्ट प्रोजेक्शंस कर लें। दे डोंट वांट टू डू अ वेरी सब्जेक्टिव एनालिसिस जिसके अंदर आप बिल्कुल सब्जेक्टिविटी जाके उसमें करें ना। तो ये बेसिकली एक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है जो मैनेजर्स कर रहे होते हैं और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। क्लियर है जी सर? मैं ये पूछ रहा था कि अपना सर ये जिन्होंने जो है इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन दे दी है, क्या वो सर इसके कंपनी का भी जो है वो अच्छा चले पहले डिस्कस कर ले चैप्टर की। कोई सवाल तो है इसके अंदर, कोई चीज पूछनी है तो प्लीज पूछे, पहले पूछ ले देन विल सी के बाकी क्या है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर? ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा चैप्टर था और इसमें टाइम भी बहुत लग गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस या क्वेरीज, कोई भी चीज पूछनी है तो प्लीज पूछ ले। चले ठीक है।